के चुनावी माहौल के बीच प्रतापगढ़ के कुंडा की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यहां कुंडा के किंग कहे जाने वाले राजा भैया को चुनौती देने के लिए सपा ने गुलशन यादव को चुनावी मैदान में खड़ा किया है, लेकिन अब गुलशन यादव को जान का खतरा सताने लगा है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासी आबोहवा इन दिनों कुछ ऐसी है, हर रोज सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें प्रतापगढ़ की सियासत भी अलग पहचान बनाए हुए है। प्रतापगढ़ के कुंडा में इन दिनों सियासत अपने चरम पर है। यहां कुंडा के किंग कहे जाने वाले राजा भैया एक बार फिर अपनी सियासत को धार देने के लिए चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो राजा भैया के धार को पार करने के लिए सपा ने उन्हीं के शागिर्द गुलशन यादव पर दांव खेला है, लेकिन अब राजा भैया के सामने गुलशन यादव का सफर खतरों से भरता जा रहा है। गुलशन यादव को अपनी जान का खतरा सताने लगा है, और तो और अब गुलशन यादव पर जानलेवा हमले की कोशिश भी हो चुकी है। दरअसल सपा प्रत्याशी गुलशन यादव नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी कार्यालय जाने के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन गुलशन यादव अपनी गाड़ी में बैठ पाते इससे पहले ही एक युवक उनके पास पहुंच और पिस्टल निकालकर उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उससे पहले ही गुलशन के समर्थकों और वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे धर दबोच लिया। आपको बता दें कि हमले की इस कोशिश के लिए गुलशन यादव ने राजा भैया पर आरोप लगाया है। इससे पहले भी गुलशन यादव अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। तो वही दूसरी ओर हमलावर के पकड़े जाने के बाद कुंडा की सियासत में तपिश और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस साजिश के बाद कुंडा की सियासत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।